So yesterday I gave you one homework that the first ionization energy of beryllium is more than boron. ये हमने discuss कर लिया था, right? उसके बाद मैंने आपको nitrogen, magnesium और phosphorus के cases को discuss करने को कहा था, ठीक है? चलिए रमनजीत, रमनजीत give the answer बेटा. मैम नाइट्रोजन, मैम दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन हैज हाफली फिल्ड पी ऑर्बिटल. वेरी गुड राइट. एंड सेम इज द केस फॉर द फॉस्फोरस, क्योंकि जब हम इनको देखते हैं ग्रुप में वी स्टडी देम राइट, तो बेरिलियम के नीचे क्या आता है? मैग्नीशियम. ओके, बोरोन के नीचे आता है एल्युमिनियम. एंड इन द सिमिलर वे अगर हम इसकी बात करें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है. ओके, बिकॉज दे आर इन द सेम ग्रुप, तो इसका हमने केस डिस्कस कर लिया था दैट इट वाज हैविंग 1s2 फिल्ड. इन द सिमिलर वे द मैग्नीशियम इट विल आल्सो बी हैविंग 1s2 फुल. ओके, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल कॉन्फिगरेशन. इन द सिमिलर वे अगर मैं इसकी बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इज हैविंग हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स हैं इसमें. ओके, एंड यही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ऑर्बिटल कंसेप्ट बनाओगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रिमूव होने के बाद हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनेगी. ओके, सो दिस वॉज द केस दैट वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे आर हैविंग मोर आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करवाना. And in the similar way, by nitrogen and phosphorus, they are having more ionization energies than oxygen and sulfur. Okay, so this was the case of ionization energy that we discussed yesterday. Now coming to the next, it is electron gain enthalpy. So after ionization energy, what we are going to do? We are going to do is electron gain enthalpy. अगेन जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब जो था प्रूव हो रहा था उसके नेम से ही, आयनाइजेशन मींस हमने आयनाइज करवाना है एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी राइट. इट इज क्लियर फॉर द नेम, फ्रॉम द नेम दैट वी आर गोइंग टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन और थ्री इलेक्ट्रॉन टू अ सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पर हम रिमूव नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर हम गेन करवा रहे हैं. ओके, अगेन द डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. So the definition is, it is the change in enthalpy which takes place when a gaseous atom, अगेन हम गैशियस एटम में बात करेंगे क्योंकि intermolecular forces of attraction बिल्कुल कम है गैशियस एटम में. ओके, और वो गैशियस एटम जो है वो क्या कर रहा है? It is gaining when a gaseous atom gains a electron. Gains a electron to form monovalent anion. ठीक है, अब anion बनेगा naturally, वो gain कर रहा है तो वो anion बनाएगा. ओके, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज देयर इज एनी एटम ए दैट इज इन द गैसियस स्टेट दैट इज गोइंग टू गेन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो आफ्टर गेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन इट इज फॉर्मिंग एन एनायन एंड दैट इज हैविंग सम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अगेन दैट वैल्यू विल बी एक्सप्रेस्ड इन किलो जाउल पर मोल. तो जो भी वैल्यू आएगी इसको हम किलो जाउल पर मोल में राइट एक्सप्रेस करेंगे. अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, वी आर गोइंग टू एड एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब अगर मैं किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रही हूं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वो एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ठीक है रेडी है भी कि नहीं. ओके, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग ऑल्सो कि क्या वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहता है अपने में कि नहीं करना चाहता. ओके, एंड दिस होल डिपेंड्स ऑन, ये सारी चीज कि वो ऐड होगा नहीं होगा उस एटम में, ये सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है?
एक है न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक न्यूक्लियर चार्ज ही है जो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वेलकम करेगा, अदरवाइज बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ तो उसकी रिपल्शन ही चलेगी, तो वो तो कहेंगे कि ये ऐड ना हो, राइट? बट देयर इज ओनली अ न्यूक्लियर चार्ज दैट इज बीइंग पॉजिटिव इन नेचर, ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को वेलकम करेगा कि तुम आओ, राइट? एंड देयर विल बी अ मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अस, ओके, राइट? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वेदर इट इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और नॉट, ठीक है? तो जितना खुशी से ये न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ओके, जितनी खुशी से ये न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो न्यूक्लियस है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है? और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था दैट अट्रैक्शन फोर्स में हमेशा जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, ओके? सो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ही रिलीज हो रही है, ओके? सो दिस इज द रिलीज्ड एनर्जी। और अट्रैक्शन में जितनी ज्यादा ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी उतना एटम स्टेबल होगा, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हमने इस चीज को देखना है, नेगेटिव एनर्जी को देखना है, नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। अगर पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब क्या है कि हम बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि हम सिस्टम को क्या कर सके, स्टेबल कर सके, ठीक है? वो सिस्टम खुद स्टेबल नहीं हुआ, न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण, सपोज इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को तो हमने ऐड करवाना है उस सिस्टम में, राइट? बट जो अंदर वाले ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, तो वो एनर्जी पॉजिटिव बन जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली एंटर नहीं कर पा रहा, नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली एक्सेप्ट हो चुका है उस एटम, ओके? सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक है? अगेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की बात करेंगे। सक्सेसिव का मतलब क्या है कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? टू फुलफिल इट्स कॉन्फिगरेशन, राइट? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया एंड ऑक्सीजन बिकम्स एन एनायन ओ नेगेटिव, ओके? एंड हियर द वैल्यू इज -141 किलो जूल पर मोल, माइनस में आ रही है यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट हो चुका है, द वैल्यू इज नेगेटिव, दैट मींस दैट इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सेप्टेड। बट इफ यू सी द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब वो O2 नेगेटिव बना रहा है तो ये जो वैल्यू है दैट इज 780 प्लस 780 किलो जूल पर मोल। अब प्लस का मतलब क्या है, what is the meaning of plus here now, that means the electron gain enthalpy has changed to positive one, that means the energy is supplied here so that this extra electron it can be adjusted in O negative, okay? जब हमने एक इलेक्ट्रॉन उसमें एडजस्ट करवाया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी ज्यादा हो गई कि जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन था उसको हमें ऐड करवाने के लिए, right, the energy is supplied to the system, okay? तो इसलिए जो positive energy है वो convert हो गई, clear? Is it clear? तो electronic repulsion में उस electron को आने नहीं दिया easily, so that's why the value changes to positive one, okay? Now again for the ionization energy we discussed some factors, so here also the electron gain enthalpy depends on some factors, so kaun kaun se factors hain, sabse pehle atomic size, atom ka size,
एटम का साइज जितना बड़ा, इफ द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. वी नो दिस थिंग, अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. अब हमारा मेन फैक्टर कौन है? न्यूक्लियर चार्ज. इलेक्ट्रॉन को वेलकम किसने करना है? न्यूक्लियस ने. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन होगी. बट यहाँ पर एटॉमिक साइज के साथ न्यूक्लियर चार्ज तो कम हो गया. ओके, विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज इट डिक्रीजेस. सो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट विल बी लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव होगी. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट विल बी लेस नेगेटिव नाउ. और यही हम ऑपोजिट बात करें कि अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, सॉरी एटॉमिक साइज कम है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. चार्ज ज्यादा है तो जो एंथैल्पी की वैल्यू है, राइट, जो एंथैल्पी की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इट विल बी मोर नेगेटिव. ओके, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है इजीली. सो विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, सो इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, द सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग इज न्यूक्लियर चार्ज इटसेल्फ. सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. तो ये हम पढ़ लिए, अभी हमने पढ़ लिया कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, राइट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव, राइट, उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा. द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इज सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन. अब हम बात करेंगे कि क्या कहीं पर सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन हैं, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन हैं कि नहीं. ओके, तो अगर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन हैं और उनमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो ये तो उनको अनस्टेबल बना देगा, राइट, बाय एडिंग वन इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू मेक देम अनस्टेबल, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है. ओके, सो व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट विल बी लेस नेगेटिव. ओके, अगेन क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार ही नहीं है. ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग दैट वी आर स्टेबल इनफ, तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हम तो अनस्टेबल बन जाएंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर द वैल्यू इट विल बी लेस नेगेटिव और यू कैन से पॉजिटिव. ठीक है, लेस नेगेटिव का मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है. ओके, अब जैसे हैलोजन्स की ही बात ले लेते हैं हम, सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन है ना उनकी, तो हैलोजन्स की ही बात ले लेते हैं. दैट हैलोजन्स दे आर हैविंग नोबल गैसेस, से पहले हम हैलोजन्स की बात कर लेते हैं. हैलोजन्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब कहते हैं कि हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मैक्सिमम नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है. मतलब दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, दे आर वेरी विलिंग टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाई दे आर विलिंग? हां जी, व्हाई दे आर विलिंग, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं व्हिच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है जी. फ्लोरीन की बात करें 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अब इन सब को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस अपना पी शेल जो है वो फुली कंप्लीट करने के लिए, राइट, दे ओनली नीड वन इलेक्ट्रॉन टू मेक देयर पी सब शेल कंप्लीट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी विलिंग टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन. और हैलोजन्स की केस में जो मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, दे आर हैविंग द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बट यहाँ पर भी एक चीज ऑपोजिट है, राइट, एनोमलीज है, एनोमलीज एक्सेप्शन.
जब भी हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, ठीक है, हर एक एलिमेंट अपनी तरफ से बिहेव करता है. सो एक्सेप्शंस हमें एज इट इज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द एक्सेप्शंस. आप ये कहो कि मैम ऐसा तो क्यों हुआ, राइट. तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना बिहेवियर है, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, राइट, हमें एज इट इज उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन हैज, और यू कैन से द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन. अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर हम आपसे, राइट, इफ आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, ओके. तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज हमने ये पढ़ा था कि जिसका साइज छोटा, राइट, जिसका एटॉमिक साइज छोटा उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन की वैल्यू आएगी दैट विल बी मोर नेगेटिव. बट यहाँ पर तो ऑपोजिट चल रहा है. यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो कम है क्लोरीन से. तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, एनोमली आ गई. जो हमने पढ़ा हम उसका ऑपोजिट बोल रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाई इज दिस केस? अब साइज छोटा है, देखो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत बहुत पास है, राइट. साइज छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दिस मार्क्स द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ओके, सो दिस मार्क्स द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जहां पर साइज छोटा होने के कारण रिपल्शन फैक्टर ज्यादा है. तो अगर वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी एंटर्ड, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पर साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बहुत क्लोजली फेस कर रहे हैं. तो न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं, इतना ज्यादा मतलब कह लो राइज नहीं करता है, वो फैक्टर इतना ज्यादा अपने आप को नहीं शो करता है जितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शो कर जाते हैं. तो इसीलिए जो वैल्यू है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है क्लोरीन के लिए एंड इट इज लेस फॉर द फ्लोरीन, राइट. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, it is more for the chlorine and it is less for the fluorine. And similar trend is for the oxygen family also. अगर हम इससे next वाली family की बात करें तो similar trend है उसका भी, right? तो sulfur की ज्यादा है as compared to oxygen. Reason is same, क्योंकि chlorine और oxygen का size छोटा है, electron electron repulsions जो हैं वो ज्यादा हैं as compared to the nuclear charge. Okay? तो इसीलिए ये दोनों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम नेगेटिव. हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन बी आस्क्ड टू यू, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, the next factor is that the noble gases have positive electron gain enthalpy. So that is clear from their symmetrical configuration. Noble gases ki jo configuration hoti hai wo symmetrical hoti hai, fully filled configuration hai, right. ये हम बहुत बारी अब स्टडी कर चुके हुए हैं ये फैक्टर. सो इसीलिए दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. सो दैट्स व्हाई द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज देयर. क्लियर? तो सिमिलर केसेस जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम का, उनके केस में भी ये वैल्यू पॉजिटिव चल जाती है. नाइट्रोजन का पढ़ के आए हैं, फॉस्फोरस का पढ़ के आए हैं, ओके, तो उनके केस में भी ये वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव चल जाएंगे. व्हाई? बिकॉज़ दे आर हैविंग हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड इनकी भी सिमेट्रिकल है, इनकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है नोबल गैसेस के लिए.
Okay, so that's why they are having the positive electron gain enthalpy due to the symmetrical configuration. Fully filled ho gayi, half filled configuration ke karan, they are not ready to accept the electron. Clear? So this is all about the electron gain enthalpy, right? So agar hum general trend discuss karein, अगर हम जनरल ट्रेंड डिस्कस करें अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कहां पर किस साइड बढ़ रही है? अब पीरियड में आपको पता है दैट न्यूक्लियर चार्ज इट इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इट डिक्रीजेस, तो ये फैक्टर फेवरेबल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, तो इस साइड इट विल बी मोर नेगेटिव, राइट? बट डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो ये फैक्टर फेवरेबल नहीं है, तो इस साइड जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दैट इज लेस नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है? तो ये ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, इस साइड इंक्रीज होगी, इस साइड डिक्रीज होगी, ओके? जैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी हमने पढ़ी कल, वो इस साइड इंक्रीज हो रही है और नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, तो सेम इज द ट्रेंड फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electro means that the power of the electron to, or you can say the power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Okay, so यहाँ पर सबसे पहले ये जो tendency है electronegativity की, that is shared by the covalent bonds, or that is shown by the covalent bonds. जो आप 10th में पढ़ के आए हो, the bonds that are formed by the mutual transferring of electron or mutual sharing of electron. ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स में शो होती है, एक पर्टिकुलर एटम की टेंडेंसी नहीं है, दो एटम्स की टेंडेंसी, दो एटम्स है यहाँ पर, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर विद अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है? अब जैसे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself. अब वो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो पेयर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, एंड दैट इज द रिलेटिव टेंडेंसी. रिलेटिव का मतलब क्या है कि दैट टेंडेंसी इट चेंजेस और इट इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि इसके लिए ये वैल्यू इसकी फिक्स्ड है, ये रिलेटिव टेंडेंसी है, ओके? कि कितना कोई जो एक एटम है वो दूसरे एटम को अपनी तरफ खींच रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को, रादर उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट्स, क्योंकि रिलेटिव की बात कर रहे हैं, रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी के साथ इसको कंपेयर करके देख रहे हैं, ओके? सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग नो यूनिट, बट हम इनको मेजर कर सकते हैं यूजिंग सम ऑफ द स्केल्स लाइक पॉलिन स्केल, ठीक है? पॉलिंग स्केल होता है हमारे पास, मुल्लिकन स्केल होते हैं, अल्फ्रेड रोशो स्केल होते हैं, सो दैट वी कैन यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ओके? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देखिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट HCl का ये बॉन्ड कैसे बना होगा? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन ने दिया होगा, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, तो ये एक बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हो गया, एंड दैट वी कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए. अब ये क्लोरीन क्या करता है? दिस क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? आगे हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर क्लोरीन जो है इट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, एंड हाइड्रोजन इट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीशीज,
ओके क्यों, क्योंकि ये देता है इलेक्ट्रॉन्स और ये जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है. ओके अब ये क्या करेगा, क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल बी शोइंग सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये क्या करेगा, ये जो दोनों शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये स्लाइटली इनको अपनी तरफ करके रखेगा. ओके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको स्लाइटली अपनी तरफ करके रखेगा. राइट इट विल नॉट बी इक्वली टू बोथ ऑफ देम, वो उसको स्लाइटली अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखेगा उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा. सो दिस टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ वी कॉल्ड दिस एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. अब आपने याद रखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कौन कौन सी है, कौन कौन से एटम्स हैं, फोन, जस्ट रिमेम्बर दिस FON फोन. फ्लोरीन इट इज हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन. यानी कि अगर मैं ट्रेंड ऐसे देखूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर को क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है. वो भी मैं बताती हूँ कैसे हो रही है. सो फ्लोरीन हेयर इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन. ये याद रख लेना है फोन FON. ठीक है जी, क्लियर. अब अगेन फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज. अगेन अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. राइट दिस इज कॉल्ड एज अट्रैक्शन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट. तो एटॉमिक साइज ज्यादा होने के कारण वही चीज दोबारा है, इफ एटॉमिक साइज इज मोर न्यूक्लियर चार्ज इट इज लेस. तो न्यूक्लियस ने ही उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, न्यूक्लियस ने ही उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है ना, अट्रैक्शन तो न्यूक्लियस से ही आएगी. तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो गया है, हाँ जी अगर न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो गया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल डिक्रीज. ठीक है तो एटॉमिक साइज किस तरफ इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप. तो यानी कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी एंड अलोंग द पीरियड ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इट विल इंक्रीज. ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया कि पीरियड के अलॉन्ग ये वैल्यू बढ़ती है. तो ये क्यों बढ़ी, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और वो चार्ज वो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखे. ओके सो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इट इंक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड. इसीलिए जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. ओके अब ये बात आपने याद में रखनी है दैट द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, जितने भी हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं राइट दैट गिव इलेक्ट्रॉन्स दे आर हैविंग लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. जैसे हम यहाँ पे जितने भी मेटल्स डिस्कस कर लें दे विल बी हैविंग लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो भी इस तरफ हैं पी ब्लॉक में, हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स हियर. ठीक है दे विल बी हैविंग हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. रीजन सब में वही चलता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा एटॉमिक साइज कम हो जाएगा तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. ओके उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इसी के साथ ही लिंक है. अगर मैं बात करूं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तो आपको पता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं. यू नो दिस थिंग वेरी वेल. ठीक है आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो 10th में,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा शो करते हैं, इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी. एंड सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटेलिक करेक्टर दैट इज बेसिकली शोन बाय द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. ओके, तो अगर मैं नट शेल में लिखूं यहां पर जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो सॉरी सॉरी, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक. अब जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है जी, क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए अब राइट डाउन वन होमवर्क. वन होमवर्क फॉर यू, कल हम डिस्कस करेंगे बट लिख लो. यू हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, किस किस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है. पहले आपको दिया हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, दूसरा है Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, N3 नेगेटिव. थर्ड इज कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. And the last one is Br positive, Br and Br negative. अब आपने इनको increasing order of सबसे पहले negative electron gain enthalpy में arrange करना है. Increasing order पूछा है तो बेटा order ध्यान से, पहले छोटा 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 फिर बड़ा. इनको ionic size में ionization energy, मैंने कुछ मिस कर दिया, इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इनको साइज में. चलो दिस इज योर होमवर्क. पहले में जिसकी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी होगी वो लिखना है, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा. सेकेंड में आपने आयनिक साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, जिसका साइज छोटा है पहले उसको लिखना, फिर जिसका साइज बड़ा है उसको लास्ट में लिखना. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी तो वो आपको ऑर्बिटल्स से पता चलेगा, ठीक है, ऑर्बिटल्स ड्रॉ करो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरो और कॉन्फिगरेशन दे, साइज का ये तो हमने किया ही हुआ है, ठीक है जी. चलिए अब छोटा सा टॉपिक रह गया है कल के लिए, वैलेंसी है, डायगोनल रिलेशनशिप, तो उसके बाद वी विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर टुमॉरो, ठीक है जी. चलिए आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ.